हमने विजिट किया न्यूली ओपन पार्टी प्लेस एंड रेस्टोरेंट इन कल्याण. दिस इज 88 किचन एंड बार. द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस इज जस्ट वाव एंड इट इज परफेक्ट फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. लेट्स हॉप ऑन टू द डिलिशियस फूड. फर्स्टली वी स्टार्टेड विद दिस यमी वेज डम्पलिंग्स विच यू मस्ट ट्राई. आई बेट दिस एवोकाडो सुशी आपको कल्याण में कहीं नहीं मिलेगी. इफ यू लव सुशी गो फॉर दिस. नेक्स्ट वी हैड द बेस्ट चिकन क्रिस्पी बाव एंड द टेस्ट वॉज जस्ट हेवन. नेक्स्ट वी हैड फिश ग्रिल इन लेमन सॉस. इट वॉज सो अमेजिंग. वी हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई इट. यू कैन ऑल्सो ट्राई कबाब्स एंड दे ऑल्सो सर्व हेल्दी सैलड्स. इन मेन कोर्स वी हैड द बेस्ट सेलर चिकन महाराजा. यू कैन ऑल्सो बुक दिस ब्यूटिफुल सेपरेट कैबिन ऑफ 40 to 50 पीपल वेर यू कैन सेलिब्रेट योर स्पेशल ओकेशंस. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज दे हैव परफेक्ट डांस फ्लोर वेर यू कैन एंजॉय एंड डांस विद योर लव्ड वंस. सेव दिस रील एंड प्लान योर विजिट सून एंड डू फॉलो अस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट. टिल देन टेक केयर. नमस्कार, पीसीएन न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है.
बाजू की 6-7 फैक्ट्री डैमेज हो चुकी है, आजू बाजू में लोग रहते हैं उनके भी उनको भी इससे डैमेज हुआ है। और ये पूरी तरह ऐसे जो हाईली हजार्डस कंपनियां हैं जो उसको रेड कैटेगरी कहा जाता है, ये सभी जो जितनी यूनिट है उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया है और उनको ये भी मौका दिया है कि चेंज ऑफ यूज करो, इंजीनियरिंग करो, आईटी करो, कुछ भी करो जो लोगों के जाने माल से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। या फिर जो हमारे मेडिसिन है जो सिटी से बाहर जो नागरी बसात जो है लोग रहते हैं, जो बस्ती से बाहर जो एमआईडीसी है उसमें शिफ्ट करेंगे, और ये शिफ्टिंग का निर्णय सरकार ने दिया हुआ है, इसमें लोगों ने सहयोग करना चाहिए। ये बार बार ऐसी जो घटनाएं हैं, हादसा है, इसे बार बार सहने की कोई सह नहीं सकता है और इसमें लोगों की जो जाने जा रही है इसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसका अभी ये हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को, और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में सरकारी शासन करेगी। और यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो यूनिट है उनको भी यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय सरकार सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। घायल है उनका इलाज करेंगे और कंपनी के माध्यम से भी उनको, उनके परिवार को जो नुकसान भरपाई है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या जो लेबर डिपार्टमेंट है उनसे मैं सेक्टर से बात की है, उनको वो भी नुकसान भरपाई मिलेगी। उसके लिए म्हणून सांगितलं मी की जे अगदी धोकादायक ज्या केमिकल इंडस्ट्री आहेत, जसे रिएक्टर जे ब्लास्ट होऊ शकतात, अशा लोकांना पण स्वतंत्र जो स्फोट झालेला आहे तो बॉयलरचा स्फोट झाला आहे असं प्रायमा फेसी दिसत आहे, परंतु नक्की कशामुळे झालंय, काय झालंय हे 1 तासानंतर स्पष्ट होईल। मला असं वाटतं की आपण देखील यंत्रणेला 1 तासभर द्यावा, परंतु भविष्यामध्ये हे परमनंट दुखणं बाजूला करण्यासाठी ऑलरेडी 1.5 वर्षापूर्वी आम्ही निर्णय घेतलेला होता। आचारसंहितेमुळे आम्ही लँड अलॉट करू शकलो नाही, परंतु डोंबिवलीवासियांची जी मागणी आहे की इथल्या केमिकल कंपन्या शिफ्ट करायच्या, तो ऑलरेडी धोरणात्मक निर्णय झालेला आहे, त्याच्यावर तातडीची अंमलबजावणी 4 तारखेनंतर होईल। सर, किती जण मृत्यूमुखी पडले का मॅडम? आताची माहिती मी घेतली ती 3 मृतदेह आता सापडलेले आहेत, बाकी धूर आणि असल्यामुळे अजून काही आपल्याला सांगता येत नाही। 1 तासाभरानंतर आपण जर बघितलं 26-11 वेळी पण असाच प्रकार घडला होता, प्रशासनाने आश्वासन दिलं होतं की सर्वांना नुकसान भरपाई मिळेल, मात्र लोकांना अनेक लोकांना नुकसान भरपाई मिळाल नाही, अजून सुद्धा त्याचा पाठपुरावा चालू आहे, इकडे 100% नुकसान भरपाई मिळणार का? मी एवढंच सांगतो की मुख्यमंत्री मोदयांनी स्पष्ट केलेलं आहे की कोणालाही वाराव्यास सोडलं जाणार नाही, आणि जर याच्यामध्ये वेळ लागणार असेल तर मी MIDC चा आणि उद्योग खात्याचा मंत्री म्हणून सांगतो की खास बाब म्हणून ज्या लोकांना त्रास झालेला आहे त्यांना कशी नुकसान भरपाई द्यायची याचा निर्णय MIDC महिलांना किती नुकसान भरपाई मिळणार नाही। मला असं वाटतं की आधी आकडा आपल्या समोर येऊ दे, परंतु आता किती मदत जरी केली तरी काही ते परत येणार नाही आहे, परंतु त्यांच्या कुटुंबाला साजेसं इंडस्ट्रीलिस्टनं देखील दिलं पाहिजे, सरकारनं देखील दिलं पाहिजे ही भूमिका सरकार। सर, आपण जर बघितलं तर मागच्याला प्रोबेशला अनधिकृत बांधकामाचा विषय निघाला आणि त्यांना नुकसान भरपाई नाही मिळाली आणि अनेक लोक वंचित राहिले, याबद्दल तुम्ही आता तशी काळजी घ्याल का? मी याबाबत आपण नकारात्मक विचार करू नये एवढंच या ठिकाणी सांगतो, चांगल्या पद्धतीनं सकारात्मक जी काय मदत असेल ती मुख्यमंत्री करतील याची मला। याच घटनेसंदर्भात महाविकास आघाडीचे उमेदवार वैशाली दरेकर यांनी आपल्या राजीनाम्याची मागणी केलेली आहे आताच पत्रकारांशी बोलताना। मला असं वाटतं की हे संवेदनशील विषय आहे, याचं राजकारण करण्यामध्ये काय अर्थ आहे असं मला वाटत नाही। ज्यावेळी ज्या काही घटना घडायच्या असतात त्या घटना घडल्यानंतर त्याचं प्रायश्चित्त कोणी घ्यायचं हे आपण नंतर ठरवू, पण सध्या जीवितहानी होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे। आता कोणीतरी ठाण्यामधनं देखील काही लोकांनी सांगितलं, माझं म्हणणं पॉलिटिकल वातावरण कुठं निर्माण करायचं, राजकीय वातावरण कुठं तयार करायचं, राजकारण कुठं करायचं हे देखील काही लोकांना समजलं पाहिजे। मी इथं राजकारण करण्यासाठी आलेलो नाही, खासदार साहेब इथं राजकारण करण्यासाठी आलेले नाही, इथं आम्ही लोकांना मदत करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी आलेलो आहोत। त्याच्यामुळे ज्यांना कोणाला आरोप प्रत्यारोप करायचे त्यांना कळू
स्पर्धेत नियती। हम आपसे समझना चाहेंगे आज की घटना के बारे में और किस तरह के कूलिंग ऑपरेशन चल रहे हैं फिलहाल। ये करीबन 1:15 बजे का कॉल था, ब्लास्ट हुआ। मैं यहीं था, नजदीक में था, तो ब्लास्ट का आवाज आया। मैं बाहर आके देखा तो धुआं दिखा, तो हम लोग खुद निकले वहां से, भाई ये साइड किधर तो कुछ कॉल है। फिर थोड़ी देर में कॉल आना शुरू हो गया, तब तक हम पहुंच गए थे। लेकिन ब्लास्ट का दायरा बहुत बड़ा था, 500 मीटर तक सामान गिरा था, जैसे लोखंड है, गाड़ी का कांच टूटा था। सर अगर जानना चाहे कि केडीएमसी की कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी और बाहर से कितनी लानी पड़ी? मेरा केडीएमसी का 10 गाड़ी है अभी इधर, और ये पानी का टैंकर केडीएमसी ने प्रोवाइड किया है, और बाहर उल्लासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, नवी मुंबई, सिडको, थाना, यहाँ से भी गाड़ियाँ। सर कैजुअलिटीज और इंजरीज के बारे में? इंजरी के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन 4 कैजुअलिटी मिला था इधर। सर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंट होता जा रहा है, थर्ड इंसिडेंट है ये, तो ऐसे केडीएमसी को और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए? ये एमआईडीसी का एरिया है, इसका प्राधिकरण एमआईडीसी है, वही देखते हैं इधर। सर रेसिडेंशियल एरिया और एमआईडीसी बहुत नजदीक है, हाँ, तो यहाँ से एमआईडीसी कंपनी शिफ्ट होने चाहिए। हर एक ने वो कैसा बता सकता मैं, हर एक कंपनी ये अपने अपने हिसाब से प्रिकॉशन लेता है, बाई चांस कुछ होता हो सकता है। सर आप प्रिकॉशन की बात करें, लेकिन कुछ साल पहले भी जो है ऐसी ही आग लगी थी केमिकल फैक्ट्रीज में, उसके बाद से क्या प्रिकॉशन लिए गए हैं, क्या स्थिति उसी तरह से लग रही है या बदलती है आपको लग रही है? नहीं, अभी ब्लास्ट होने की वजह से अगल बगल के 2-4 कंपनी और जल गई। सर हमने देखा कि बचाव कार्य के पहले कूलिंग ऑफ ऑपरेशन में काफी हद तक पानी की जगह फोम का इस्तेमाल किया गया। फोम यूज किया क्योंकि केमिकल है, इसलिए फोम यूज करना पड़ा, और पानी है, कूलिंग के लिए पानी यूज करते हैं। अगर अंगार ड्रम में है या केमिकल में है तो हम लोग फोम यूज करते हैं। सर क्या ये संभावना है कि और बॉडीज और लोग भी इसके नीचे अभी भी दबे हुए हो? इसके बारे में हम लोग जब भी कंपनी वालों को पूछेंगे, भाई वर्कर कितना था, कितना बाहर गया, कितना काम कर रहा था, उसके पश्चात ही पता चलेगा। टोटल कंपनीज कितने इन्वॉल्व हैं? फिलहाल तो इधर 3 है, और बाकी का उधर एक मोदी हुंडई शोरूम है, वहाँ भी अंगार था, उसके बगल में भी है, एक 7-8 कंपनी को या अलग अलग स्थापना है उसको अंगार है। सर आसपास की 10-12 गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, और 3 किलोमीटर रेडियस में जो घर थे उनके घर के शीशे भी खिड़की के टूट गए। उसका उतना पता नहीं मुझे। इसका इफेक्ट कितने रेडियस में था अगर आप? हमने बोला ना कि 500 मीटर तक देखा हमने, मतलब टुकड़े लोखंड वगैरह गिरा था। कंपनी का नाम क्या है? सप्तवर्णा। ये क्या इधर सप्तवर्णा कंपनी में ये हुआ है? ये इधर ही तो है ब्लास्ट। सर और एक आखिरी, सर कूलिंग ऑफ ऑपरेशंस को अंदाजे से और कितना समय लग जाएगा, कितने घंटे? हम कोशिश कर रहे हैं 8 बजे से पहले, लेकिन समय भी लग सकता है, गाड़ी है हमारे पास, करेंगे काम। ठीक है, ओके।